नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है कुछ वर्ड्स के ऊपर जो कि डेली लाइफ के वर्ड्स हैं, और अक्सर हमें इन वर्ड्स की इंग्लिश नहीं मिल पाती है कि भाई इन वर्ड्स को कैसे बोला जाए, इन सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बनाएं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अपकमिंग जो वीडियोस हों उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ अच्छा सौदा करना। देखो, अच्छा सौदा करना यानी हमने मान लो कोई सामान खरीदा और बहुत सस्ते में खरीद लिया है और सही रेट में खरीदा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्राइक अ बार्गेन। जैसे अगर हम सेंटेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे जैसे कि जो मदर होती है हमेशा क्या करती हैं, सही सौदे करती हैं। जैसे बच्चे होते हैं उनको तो बच्चे महंगा भी लगा देते हैं वो, तो मदर ऑलवेज स्ट्राइक्स अ बार्गेन। तो मम्मी क्या करती है, हमेशा एक अच्छा सौदा करती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ इन एन एविल मोमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो अशुभ घड़ी में यानी कोई बुरा समय है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड एन एविल मोमेंट। तो चलो सेंटेंस बनाते हैं इसके लिए। डोंट क्राई फॉर पास्ट बिकॉज दैट वॉज एन एविल मोमेंट। यानी पास्ट के लिए मत रो क्योंकि वो क्या था, एक अशुभ घड़ी थी, बुरा समय था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ एन एप्पल ऑफ आई। यानी आँख का तारा, यानी जो हमें जो बहुत प्यारा होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन एप्पल ऑफ आई। लुक ही इज़ माई सन, ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। देखो मेरा बेटा है और वो क्या है, मेरी आँखों का तारा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी कार्ट यानी जो उसकी बग्गी होती है उसको तो आगे लगा देना और घोड़े को पीछे लगाना। यानी घोड़े से पहले अगर हम बग्गी लगा देंगे तो क्या होगा, उल्टा काम होगा। तो किसी काम को उल्टा करना, उल्टा काम करना, तो उसको हम बोलते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी देखो जो फोटो आया हुआ उसके अंदर आप देखो जो घोड़ा था वो आगे आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, जो कार्ट है वो आगे लगे और घोड़ा पीछे लगा रखा है। तो किसी उल्टे काम को करना उसको हम बोलते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जो मेरा भाई है वो हमेशा ही उल्टे काम करता है, ही पुट्स द कार्ट बिफोर द हॉर्स। सो अब नेक्स्ट वर्ड इज़ अनवर्निश्ड टेल। यानी कच्चा चिट्ठा, यानी सब कुछ साफ साफ बता देना, या कोई किसी के बारे में यानी कोई झूठ ना हो, सब कुछ सच हो, तो उसको हम बोलते हैं अनवर्निश्ड टेल। तो इसको सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा इसका। ट्रस्ट मी आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट हिम, इट इज़ अनवर्निश्ड टेल। यानी सच में मैंने आपको सब कुछ उसके बारे में बता दिया है, ये कच्चा चिट्ठा है, नहीं मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है, हर एक बात मैंने आपको उसकी बता दी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ शिरकर। यानी कामचोर, यानी जो लोग काम करके खुश नहीं है, काम से जी चुराते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं शिरकर। तो इस वर्ड के लिए हमारा सेंटेंस होगा, देर इज़ नो रूम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर शिरकर्स। यानी जो कामचोर लोग हैं उनके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे संस्था में, संगठन में कोई जगह नहीं है। हेयर वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। यानी आप एक ऐसे इसके पीछे एक स्टोरी भी थोड़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। एक लड़का होता है, उसने ना बहुत सारे, उसका जो पिता था ना, उसके पिता ने बहुत सारे पत्थर रख रखे थे, और उसके पिता ने कहा कि बेटा इनमें से ना किसी भी पत्थर के, स्टोन के नीचे तुझे ना पैसे मिलेंगे या कोई चीज़ मिलेगी, जो भी कोई कीमती चीज़ थी। तो उसने देखा कि इतने दुनिया भर के वहाँ पे पत्थर रखे थे, तो उसके बाद उसके लड़के ने क्या किया, जितने भी पत्थर थे सबको पलट पलट के देखा कि भाई किसके नीचे जो जो चीज़ रखी है वो, जो कि बहुत कीमती है, बेशकीमती चीज़ है। तो ढूंढने के लिए उसने हर एक पत्थर को पलट दिया लेकिन उसको नहीं मिली। तो उसने अपने पिता को बोला कि फादर आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी मैंने कोई भी जो पत्थर है वो पलटे बिना नहीं छोड़ा, यानी मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो चलो देखते हैं इस वर्ड का सेंटेंस में यूज़, इस इडियम को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मान लो देखो, किसी ने अपने बेटे को जॉब दिलाने के लिए हर तरीके से कोशिश की, पैसे भी भरे, उसे पढ़ाया, उसको कोचिंग भी दिलाई, हर तरीके से बड़े से बड़े मंत्री की सिफारिश लगाई, यानी उसने हर तरीके से कोशिश की क्या करने के लिए, अपने बच्चे को जॉब दिलाने के लिए। यानी हिज फादर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट हिज सन अ जॉब। यानी उसने अपने बेटे को जॉब दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज़ टू पॉइजन द ईयर्स। यानी कान भरना या कानों में जहर भरना आप कह सकते हो। कुछ लोग की आदत होती है एक दूसरे के बारे में भड़काते रहते हैं, कानों में जहर, लोगों में ईर्ष्या पैदा कर देते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू पॉइजन द ईयर्स, यानी कान भरना। तो इसके लिए हमारा सेंटेंस होगा, शी पॉइजन्ड हर हस्बैंड्स ईयर्स अगेंस्ट हिज फैमिली। यानी उसने अपने पति के कान भर दिए, किसके खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ।
हेयर वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ टू रैनसैक। रैनसैक का मतलब होता है कोना कोना छाना, यानी हर जगह ढूंढना किसी को। व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल आई रैनसैक्ड माय मदर बट कुडंट फाइंड, यानी जब मैं स्कूल से लौटा तो मैंने अपनी मम्मी को हर जगह ढूंढा, यानी कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे मेरी मम्मी नहीं मिली। सो अ नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑन नो अकाउंट, यानी किसी भी हालत में नहीं, यानी जब कई बार मना करते हैं, यानी कुछ भी हो जाए, कोई भी हाल हो, यानी मैं मना करूँगा उस चीज़ के लिए, यानी किसी भी हालत में परमिशन नहीं दूंगा। जैसे पेरेंट्स कई बार कहते हैं आई विल अलाउ यू टू गो ऑन पिकनिक ऑन नो अकाउंट, यानी किसी भी हालत में मैं आपको पिकनिक पर जाने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। देखो इसमें आई विल अलाउ ही बोलना पड़ेगा क्योंकि नो ऑलरेडी उसमें पहले से ही लगा हुआ है, तो आई विल नॉट अलाउ नहीं होगा, बोलेंगे आई विल अलाउ यू टू गो ऑन पिकनिक ऑन नो अकाउंट। ऑन नो अकाउंट का यानी किसी भी हालत में नहीं, यानी किसी भी हालत में नहीं मैं आपको जाने दूंगा वहाँ पर। तो चलो एक सेंटेंस और बना लेते हैं इसके लिए। ऑन नो अकाउंट यू शुड लीव द हाउस अनलॉक्ड, यानी आपको किसी भी हाल में जो घर है उसको अनलॉक नहीं छोड़ना चाहिए। सो माई डियर फ्रेंड्स, दीज वर सम वर्ड्स दोज आई टोल्ड यू इन टूडेज लेसन। आई होप दैट यू मे हैव लाइक्ड आवर वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो so that you can get notifications for our upcoming videos. Thank you very much.